नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं एमपी बोर्ड अधिव्यान के इस यूट्यूब चैनल पर, जो सिर्फ और सिर्फ बेटा वीडियो बनाता है किसके लिए, एमपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। तो बेटा, मैं आपके लिए लेकर आया हूं विलियन चैप्टर का एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसको हम क्या बोलते हैं, सांद्रता के पद। सांद्रता के पद बेटा इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि ये आपके अर्धवार्षिक, मासिक और साथ साथ में वार्षिक पेपर में बेटा जरूर जरूर से एक सवाल तो आपको मिलता ही मिलता होगा। तो हम क्या करेंगे, इस कंसेप्ट को बहुत ठोस करेंगे, बहुत पक्के तरीके से इतना अच्छे से तैयार करेंगे कि ये किसी भी टेस्ट में आए या फिर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए तो आपको इस कंसेप्ट से कोई डर ना लगे और आपको सवाल कभी गलत ना हो। तो आप इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझिए, इसके नोट बनाइए और बार बार इसको रिवाइज करिए कि आपका कभी सवाल गलत ना हो, ठीक है। और जाने से पहले दोस्त एक निवेदन करना चाहूंगा आपसे कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। कौन सा YouTube चैनल? एमपी बोर्ड अधिव्यान YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों, अगर हमारी मेहनत सही डायरेक्शन में लग रही है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और उनको भी बताइए कि मैंने इस चैनल से इस टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार किया है, तो आप लोग भी कर लीजिए। तो क्या होगा, आपके मार्क्स तो बढ़ेंगे ही और उनके मार्क्स भी बढ़ेंगे, तो आपको याद रखेंगे जिंदगी भर, ठीक है। और मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहूँगा कि अगर हमारी मेहनत में थोड़ी सी भी कमी आपको लग रही है, एकदम थोड़ी सी भी लग रहा है कि ये पॉइंट मिसिंग है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। तो जब हम नेक्स्ट बार मेहनत करेंगे, एक नया कंसेप्ट आपके लिए तैयार करेंगे, तो उस गलती को सुधार करेंगे और आपके लिए एक बेस्ट से बेस्ट कंसेप्ट रेडी कर लाएंगे। तो चलिए आइए वीडियो को देखते हैं और कंसेप्ट को समझते हैं। अब जब हम विलयनों को पढ़ते हैं तो विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करना भी तो जरूरी है, ये जानना भी तो जरूरी है कि विलयन में कितना विलेय है और कितना विलायक है, कितनी सांद्रता में मौजूद है ना। तो चलो, अब जब हम विलयनों की सांद्रता को पढ़ते हैं तो अलग अलग प्रकार से पढ़ते हैं, ठीक है। कैसे देखते हैं हम सांद्रता को, गुणात्मक रूप से भी देख सकते हैं हम और मात्रात्मक रूप से भी व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। मतलब क्वालिटेटिव एनालिसिस भी किया जा सकता है और क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी किया जाता है। जब हम विलयनों की सांद्रता का मात्रात्मक वर्णन करते हैं तो हम वो कई प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं कौन से प्रकार से कर सकते हैं। तो सबसे पहला प्रकार जो हम पढ़ने वाले हैं वो है द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत को देखो क्या लिखा है, W/W, मतलब यहाँ पर हम किसके बेसिस पे बात करेंगे, वेट के बेसिस पे बात करेंगे, ठीक है। तो द्रव्यमान प्रतिशत अगर हम पढ़ रहे हैं तो विलयनों के अवयवों को द्रव्यमान प्रतिशत में निम्न प्रकार से बताया जा सकता है। किस तरह से, अगर हम अवयवों का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना चाहते हैं तो वो कैसे निकालेंगे, हम विलयन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान और विलयन का कुल द्रव्यमान इनटू 100, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रतिशत की बात कर रहे हैं, ठीक है, प्रतिशत की बात कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इनटू 100। अब क्योंकि हम यहाँ पर बाइनरी सोल्यूशन पढ़ने वाले हैं, मतलब एक ही विलेय होगा और एक ही विलायक होगा, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत ध्यान से देखो, ठीक है। अब मान के चलो मुझे ए के बारे में जानना है कि ए का द्रव्यमान प्रतिशत कितना है, तो मैं क्या लूंगी, ए का द्रव्यमान और विलयन का कुल द्रव्यमान, ठीक है। तो WA/ विलयन का कुल द्रव्यमान भी तो इन्हीं दोनों की वजह से होगा ना, तो विलयन का कुल द्रव्यमान क्या हो जाएगा, WA+WB, है ना। तो अगर मुझे ए का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है तो वो मैं कैसे निकाल सकती हूँ, WA/WA+WB इंटू 100, ठीक है। और इस तरह से मैं निकाल सकती हूँ द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है। डी का भी इसी तरह से निकाला जा सकता है, बहुत आसान है। चलो फिर अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा टर्म। दूसरा टर्म क्या कहता है हमारा, कि हम और किस तरह से नाप सकते हैं सांद्रता को, तो वो होता है आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत मतलब अब मैं किसके टर्म में बात करूंगी, वॉल्यूम के टर्म में बात करूंगी, ठीक है। तो ये हो गया V/V। अब अगर मैं आयतन प्रतिशत को दर्शाना चाहूं तो कैसे दर्शा सकती हूं, किसी भी अवयव का अगर मुझे आयतन प्रतिशत निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे हम, सीधी सी बात है, अवयव का आयतन, जिस भी कंपोनेंट का आयतन प्रतिशत निकालना है तो उसका आयतन अपॉन विलयन का कुल आयतन इंटू 100। गलती से भी मत भूलना क्योंकि हम यहाँ पर प्रतिशत निकाल रहे हैं, ठीक है। अब फिर से वही बात, बाइनरी सोल्यूशन है तो ए और बी दो होंगे, ठीक है। अब मान के चलो मुझे ए का आयतन प्रतिशत निकालना है तो मैं क्या करूंगी, ए का आयतन अपॉन विलयन का कुल आयतन, इन दोनों की वजह से ही तो होगा, तो V/V इंटू 100। इस तरह से आप निकाल लोगे आयतन प्रतिशत, ए का भी निकाल सकते हो, बी का भी निकाल सकते हो, ठीक है। ये हो गया आयतन प्रतिशत। अगली टर्म हम क्या देखेंगे, द्रव्यमान और आयतन प्रतिशत, ठीक है। अब ये जो टर्म है
ये कहाँ यूज होती है सबसे ज्यादा, ये टर्म यूज की जाती है डेली लाइफ में, हम खुद तो यूज नहीं करते लेकिन ये टर्म जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है फार्मेसी में, ठीक है। तो औषधियां जब बनाई जाती हैं तब उस टाइम पर सांद्रता को मेजर करने के लिए यही टर्म यूज की जाती है, कौन सी, आयतन द्रव्यमान व आयतन प्रतिशत, ठीक है। अब इसे कैसे कैलकुलेट करोगे, तो जैसे समझ में आ रहा है W बाय V, तो किसी भी अवयव का आयतन, अवयव का द्रव्यमान और उसका टोटल आयतन, विलयन का टोटल आयतन, ठीक है, इस तरह से आप कैलकुलेट करते हो। तो मान के चलो मेरे पास क्या क्या थे, ए और बी फिर से, ठीक है। ए का अगर मुझे निकालना है द्रव्यमान व आयतन प्रतिशत, तो मैं कैसे निकालूंगी, ए का द्रव्यमान और टोटल जो हमारा वॉल्यूम होगा सोल्यूशन का, ठीक है, इस तरह से आप कैलकुलेट करोगे। और इन 200 बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि यहाँ पर भी हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रतिशत, ठीक है। ये तो हो गए इजी टर्म्स, अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टर्म कौन सी है। चलो नेक्स्ट टर्म है हमारी पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। अब पार्ट्स पर मिलियन, जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि मिलियन में उसका कितना पार्ट है, ठीक है। चलो तो पार्ट्स पर मिलियन टर्म्स को कैसे पढ़ते हैं हम, जब विलेय की मात्रा अत्यंत सूक्ष्म हो तो फिर सांद्रता को पार्ट्स पर मिलियन में प्रदर्शित किया जाता है। और इसे पढ़ने का तरीका अगर हम देखें, तो पार्ट्स प्रति मिलियन अगर हम देख रहे हैं तो क्या होगा, अवयव के भागों की संख्या, ठीक है, अवयव कितने भागों में प्रेजेंट है, मतलब कितनी संख्या है उसकी, अपॉन विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के कुल भागों की संख्या। मतलब अगर हम बात कर रहे हैं, दो कंपोनेंट्स हैं ए और बी, अगर दो कंपोनेंट्स हैं ए और बी और मुझे निकालना है ए के पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, तो मैं कैसे निकालूंगी, नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ ए, ए के कितने कितनी संख्या पर, ए की कितनी संख्या प्रेजेंट है, और फिर टोटल नंबर्स, तो एन ए प्लस एन बी, ठीक है। और इसका अब ध्यान से देखो, क्योंकि हम मिलियन की बात कर रहे हैं, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, इसको मल्टीप्लाई करोगे 10 की पावर 6 से, और इस तरह से आप निकाल सकते हो पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। अब ये भी कहाँ यूज होती है, बहुत रेयर केस में, जब हमारा जो विलेय है उसकी मात्रा बहुत 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 छोटी हो, ठीक है, तो ये तब यूज की जाती है। और ये नॉर्मली हम डेली लाइफ में तो बहुत कम, लेकिन हम कम यूज करते हैं, इंडस्ट्रियल इसका यूज बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो फैक्ट्रीज में या फिर जब हम वाटर में किसी भी कंपाउंड की हम, या किसी भी सल्यूट की अगर हमें कंसेंट्रेशन निकालनी हो, तो फिर हम कहाँ किसका यूज करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन का यूज करते हैं, ये भी ठीक है। चलो अब अगली टर्म हमारी क्या है, अगली टर्म है हमारी मोल अंश, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। इसे आप मोल अंश पढ़ते हो, मोल भिन्न, अलग अलग नामों से ये हर जगह आपको दिखेगा, ठीक है, मतलब इसका एक ही है। अब इसे हम डिनोट किससे करते हैं, तो हमेशा याद रखना मोल अंश को हम एक्स से डिनोट करते हैं, और जिस भी मटेरियल का, जिस भी कंपोनेंट का हम मोल अंश निकाल रहे हैं उसे हम इसके राइट हैंड कॉर्नर, बॉटम कॉर्नर पे लिखते हैं, ठीक है। तो एक्स ए एक्स बी, जब भी ऐसा कहीं लिखा मिल जाए आपको, तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, मोल अंश की बात हो रही है, ये बहुत अच्छे से समझ लेना, ठीक है। अब मोल अंश को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो मोल अंश क्या है, अवयव का, किसी भी अवयव का अगर आप मोल अंश निकालना चाहते हो, तो वो क्या, कैसे निकालोगे आप, अवयव के मूलों की संख्या और सभी अवयवों के कुल मूलों की संख्या, ठीक है। तो मान के चलो कि मेरे पास दो कंपोनेंट्स हैं ए और बी, तो फिर क्या करूंगी मैं, अगर मुझे ए का मोल अंश निकालना है तो कैसे करूंगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए और टोटल मोल कितने होंगे, ये क्या होगा, ए के मोल्स और बी के मोल्स टोटल अगर आप सम कर दोगे तो वो हो जाएंगे आपके टोटल मोल्स, है ना। तो अगर मुझे एक्स ए निकालना है, मतलब ए का मोल अंश निकालना है, तो क्या करूंगी मैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब यहां पर सोचो, अभी तो हम सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, मतलब दो ही कंपोनेंट्स हैं, अगर दो से ज्यादा हो, दो से ज्यादा अवयव की अगर हम बात करें, अब जब एक से ज्यादा होंगे तब भी हम ऐसा ही करेंगे। अब मान के चलो कि बहुत सारे नंबर ऑफ कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, ठीक है, और मुझे किसी आयत कंपोनेंट की, आयत अवयव की निकालना है कि क्या मोल अंश, तो फिर मैं कैसे निकालूंगी, उसका, उस कंपोनेंट का मोल, ठीक है, उस कंपोनेंट के कितने मोल्स प्रेजेंट है अपॉन टोटल मोल, और इस तरह से आप निकाल सकते हो किसी भी अवयव का मोल अंश, ठीक है। अब हमेशा याद रखना कि अवयवों का मोल अंश जो है, जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनके मोल अंश का सम हमेशा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। चलो अब अगर हम बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए तो मैं डेमो भी दिखा सकती हूँ, ठीक है। अगर दो कंपोनेंट्स हैं ए और बी, ठीक है, तो एक्स ए क्या होगा, एक्स ए क्या होगा, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, ठीक है। और अगर मुझे एक्स बी निकालना है तो क्या होगा, वो एन बी अपॉन
Na plus Nb। अब इन दोनों का अगर मैं सम कर दूं, मतलब Xa plus Xb कर दूं, तो क्या आएगा? Na plus Nb upon Na plus Nb, ठीक है? तो ये किसके बराबर आ गया? 1। तो जितने भी कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है, उन सब का मोल अंश जो है, अगर उसका आप योग करते हो तो वो किसके बराबर आएगा? हमेशा एक के बराबर आएगा, ठीक है। अब इसे मैंने इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट बताया क्योंकि इसकी मदद से आप हमेशा निकाल सकते हो। अगर आपको एक का मोल अंश दिया है तो आप बी का मोल अंश बहुत आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। तो इस टर्म को बहुत अच्छे से याद रखना कि एक्स ए प्लस एक्स बी हमेशा किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। अब यहाँ पर मैं दो कंपोनेंट की ही इसीलिए हाईलाइटेड बात कर रही हूँ क्योंकि हमें यहाँ पर सिर्फ बाइनरी सोल्यूशन पढ़ना है, ठीक है। तो जब हमें बात ही दो घटकों की करनी है तो हम उसी हिसाब से बात करेंगे। चलो फिर, और अब देखते हैं हमारा अगला टर्म। अगला टर्म जो है हमने बहुत बार सुना भी है और शायद पढ़ा भी है अगर आप प्रैक्टिकल कर रहे हो, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं मोलरता की, मोलैरिटी की, ठीक है। अब मोलरता क्या है? सीधी सी बात, एक लीटर, जब हम एक लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को जानने की कोशिश करते हैं तब हम किसका प्रयोग करते हैं? तब हम प्रयोग करते हैं मोलरता का। तो मोलरता कैसे निकालते हो आप? मोलरता को कैसे बोलोगे? विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या और विलयन का कुल आयतन किसमें? हमेशा याद रखना, विलयन का आयतन आप किसमें लोगे? लीटर में लोगे, ठीक है। तो विलेय के कितने मोल प्रेजेंट है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सल्यूशन इन लीटर, हमेशा याद रखना, ठीक है। और अगर लीटर में नहीं है, ml में है, तो फिर इन 2000 करना पड़ेगा हमें, ये भी याद रखना, ठीक है। चलो, ये भी क्लियर हुआ। अब अगली टर्म क्या है हमारी? अगली टर्म है इससे ही मिलती जुलती मोलरता, इसे भी सुना हुआ है हमने, मोलैलिटी। अब मोलैलिटी क्या है? तो मोलैलिटी, जब हम बात कर रहे हैं किसी विलयन में मोलरता की, तो एक केजी विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम किससे दर्शाते हैं? मोलरता से, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं मोलरता को, तो मोलरता कैसे दर्शाओगे आप? विलेय के मोल डिवाइडेड बाय विलायक का द्रव्यमान, किसमें? केजी में। हमेशा याद रखना, दोनों में अंतर क्या है? मोलैरिटी और मोलैलिटी में फर्क यही है कि यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? हम विलायक के द्रव्यमान की बात कर रहे हैं, और मोलैरिटी में हम किसकी बात कर रहे थे? हम विलयन के आयतन की बात कर रहे थे, ठीक है। तो जब हम विलायक के द्रव्यमान की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो विलेय के मोल डिवाइड बाय विलायक का द्रव्यमान केजी में, तो आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो? आप कैलकुलेट कर सकते हो मोलरता, मोलैरिटी, ठीक है। अब हमेशा याद रखना, मोलरता को हम स्मॉल एम से दर्शाते हैं और मोलरता को हम कैपिटल एम से दर्शाते हैं, ठीक है। चलो, ये भी अगर क्लियर है तो इन दोनों से आपके ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड एग्जाम में, ठीक है। और भाई, कैसा लगा मैम का लेक्चर? मजा आ गया यार भैया, लेकिन एक डाउट तो रह ही गया। अरे, तो मैम के लेक्चर YouTube पे क्यों देख रहे हो? रिव्यान ऐप पर देखो ना, वहाँ पर आस्क डाउट का बटन है, उस पर टाइप करके, बोल करके या फिर फोटो क्लिक करके जैसे चाहो अपने डाउट पूछो और पाओ इंस्टेंट सॉल्यूशन। अच्छा, ऐसा? हाँ, और आप लोग भी रिव्यान ऐप इंस्टॉल करिए, लेक्चर देखते हुए अपने डाउट्स को पूछिए और पाए इंस्टेंट सॉल्यूशन 24/7। तो अभी इंस्टॉल करिए।